पहले बात समाजवादी पार्टी की कर लेते हैं तो विधानसभा चुनाव की बात। समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यहां एक तरफ अखिलेश के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के पार्टी छोड़ने के कयास चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान के समर्थक अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इसी कड़ी में मशहूर शायर मुनव्वर राणा के भाई राफे राणा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि अगर आजम खान की जगह मुलायम सिंह जेल में होते तो क्या अखिलेश यादव ऐसे ही चुप बैठे रहते? उस वक्त साथ दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आजम खान ने, जब 2012 के इलेक्शन के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, शिवपाल जी नाराज थे, आदम भाई भी नहीं मान रहे थे, लेकिन जनाब मुलायम सिंह यादव साहब के बहुत कहने पे आजम खान साहब तैयार हुए, तब ये मुख्यमंत्री बन पाए। तो ये समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं वो, मुलायम सिंह जी की एक तरीके से जान है वो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की समझ में नहीं आ रहा है। आपने 2017 का भी रिजल्ट देखा और 2022 का भी रिजल्ट देखा। 2022 के रिजल्ट में मुसलमानों ने इंतहा कर दिया, आपको 99% वोट दिया। आज जितनी सीटें आपके पास हैं उसमें 95% जो है वो मुस्लिम वोटरों की बदौलत।